यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, एंड स्पर्म का फॉर्मेशन किस ऑर्गन में होता है, टेस्टिस क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम लोग बात करें तो क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, टेस्टिस एंड सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट होते हैं। एसेसरी डक्ट में क्या होता है, स्मॉल डक्ट, वासा डिफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया एंड एजिकुलेटरी डक्ट। ये सारे एसेसरी डक्ट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस मतलब जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और उस स्पर्म को मेन टारगेट ले जाने का काम कौन से डक्ट करते हैं, तो हमारे एसएससी डक्ट करते हैं। कौन कौन से, स्मॉल डक्ट, वॉसा डिफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वॉसा डिफरेंसिया, एजिकुलेटरी डक्ट। इसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आता है एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड काउपर ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। सेमिनल वेसिकल ये है जिसमें जो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेमिनल वेसिकल, क्योंकि सेमिनल वेसिकल के इनसाइड क्या होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, पेयर में दो होते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, एक होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क क्या होता है, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, सीमेन जो हमारे सीमेन के अंदर होता है, ह्यूमन के सीमेन के अंदर कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन होते हैं, वो किस ग्लैंड के द्वारा होते हैं, किस ग्लैंड के द्वारा आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा आते हैं। अब काउपर ग्लैंड क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होते हैं, पेनिस। जो हमारा जो ह्यूमन का एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, पेनिस। तो हम लोग टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे टेस्टिस जो हम ह्यूमन का टेस्टिस है उसके अंदर ही फॉर्मेशन किसका होता है, स्पर्म का होता है। और स्पर्म एक मेन रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन के हेल्प में। ठीक है, तो अगर उसका टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, उसको मतलब अगर इसमें टेस्टिस को में फॉर्मेशन नहीं है वो स्पर्म का, तो ये सारे ग्लैंड या एसेसरी डक्ट करके क्या करेंगे। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और अगर वही हम लोग फीमेल की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसमें क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था ओवरीज था और हार्मोन थे। इसमें क्या है, मेल के अंदर क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टेस्टिस ऐसा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, मेल पार्ट का, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। तो वो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो साइड व्यू है। साइड व्यू में क्या क्या आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस हमेशा कितने में होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो टेस्टिस कितने में होते हैं, दो पेयर होते हैं। इनसाइड द टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनसाइड द टेस्टिस। और टेस्टिस स्थित कहाँ होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हमारा टेस्टिस होता है। ठीक है, और टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। और स्पर्म में ये इपिडिडाइमिस क्या है, हमारे डक्ट होते हैं जो मतलब हमारे स्पर्म को कैरी करते हैं। तो इपिडिडाइमिस क्या होता है, इपिडिडाइमिस में क्या होता है, मैच्यूरेशन ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टिस में हुआ, लेकिन मैच्यूरेशन कहाँ होता है, इपिडिडाइमिस में। ठीक है, मैच्यूरेशन कहाँ होता है, इपिडिडाइमिस में। उसके बाद ये ग्लैंड होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, इपिडिडाइमिस ग्लैंड, सॉरी डक्ट होती है इपिडिडाइमिस। उसके बाद आती है कौन सी, यहाँ से वासा डिफरेंसिया क्या करती है, कैरी द स्पर्म, स्पर्म को कैरी करती है। उससे
उससे बहुत सारी ग्लैंड जुड़ती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड जो कैल्शियम आयन स्पर्म के साथ मिलाती है, सेमिनल वेक्स बेसिकल से क्या आता है, फ्रक्टोज आता है, बल्बो यूथरल ग्लैंड म्यूकस रिलीज करती है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है, स्पर्म के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। फिर उसके द्वारा ऐसे ऐसे होते होते स्पर्म कहाँ से हमारे पेनिस के थ्रू, ह्यूमन के पेनिस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये है पेनिस का स्ट्रक्चर, और ये है फोर स्क्रीन जो पेनिस के ऊपर पाई जाती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये है हमारा यूरिथेरा, यूरिथेरा के द्वारा ये स्पर्म प्लस यूरिन दोनों पास होते हैं। स्पर्म प्लस यूरिन किसके द्वारा पास होते हैं? यूरिथेरा के द्वारा पास थ्रू होते हैं। किसके द्वारा? यूरिथेरा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। देखिए ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म का मार्ग है एंड किसका यूरिन का मार्ग एक ही होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिथेरा। लेकिन ये फीमेल की बात करेंगे तो एक एक का मार्ग, एक रिलीज होने का मार्ग एंड किसका यूरिन का मार्ग अलग अलग होता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या इस यूरिन के साथ क्या स्पर्म भी रिलीज होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है उनका। हम लोग अब बाद में डिस्कस करेंगे कैसे यूरिन एक ही यूरिथेरा से यूरिन का भी पास आउट होता है एंड स्पर्म का भी पास आउट होता है। तो देखिए जो डक्ट के एसेसरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड से निकलने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, फ्रक्टोज हैं एंड कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड म्यूकस लुब्रिकेशन जो हेल्प करता है, और स्पर्म मिलाकर क्या बनाते हैं? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले एंड काउपर ग्लैंड से निकलने वाले सब्सटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सीमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमेन। सीमेन में 10% ही स्पर्म होता है। कितना परसेंट स्पर्म होता है? 10%। बाकी सारे सब्सटेंसेस किसके होते हैं? हमारे एसेस्ट्री ग्लैंड के होते हैं। और ये है एक्सटर्नल जेनेटिया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो वही हम लोग बात करें टेस्टिस, टेस्टिस के डिटेल के बारे में। तो टेस्टिस क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है किसका? स्पर्म का। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं टेस्टिस क्या होता है। ये देखिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होता है? इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी है? ओवल होती है। और अगर टेस्टिस की बात करें ह्यूमन में तो कितने पे होते हैं? वन पेयर में होते हैं, मतलब दो दो टेस्टिस होते हैं। पेयर की बात करते हैं एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं इन ह्यूमन में, ठीक है, पेयर में होते हैं। और कलर की बात करें तो कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है टेस्टिस का। अगर हम लोग साइज की बात करते हैं, इसकी लेंथ, जो ये लेंथ है टेस्टिस की, जो लेंथ है ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक, टेस्टिस की जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर विड्थ की बात करें, चौड़ाई की, इस ये और ये चौड़ाई इसकी बात करें तो कितनी चौड़ाई होती है? 2-3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी वेट की बात करें, भार की बात करें, तो एक टेस्टिस का बाजू भार होता है कितना होता है? 15 से 90 ग्राम होता है, ठीक है, एक टेस्टिस का भार। अगर लोकेशन की बात करें तो जो ह्यूमन का टेस्टिस है कहाँ पे स्थित है? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये है स्क्रोटम, ये है ह्यूमन का स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर लोकेशन। और टेस्टिस कहाँ होता है? इनसाइड द स्क्रोटम। किसके अंदर होता है? स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? हमारा ह्यूमन का टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी फॉर मेंटेन टेम्परेचर। अब जो स्क्रोटम होता है या ह्यूमन का टेस्टिस होता है ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड होता है, मतलब ह्यूमन के बॉडी के अंदर नहीं होता है, एब्डोमिनल कैविटी में या ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। कहाँ पे होता है? शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर क्यों होता है ह्यूमन का टेस्टिस? क्यों बाहर होता है? और तो हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है? 35, ठीक है, 35
डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, टेस्टिस का कम होता है। अगर 37 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे टेस्टिस का तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या करता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, मेंटेन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्क्रोटम करता है। क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 35। मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए टेस्टिस का टेम्परेचर, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्क्रोटम क्या करता है, हेल्प द मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब देखो टेस्टिस के अंदर मतलब ले ले क्या होती है, मसल्स होती हैं, दो मसल्स होती हैं, डार्टस मसल होती हैं एंड डार्टस मसल। क्या मस कौन सी मसल्स होती हैं, डार्टस मसल्स एंड सॉरी ये है डार्टस मसल, डार्टस मसल्स ये है क्रीमेस्टर मसल्स। अब जो हमारा स्क्रोटम है टेम्परेचर क्या करने का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। लेकिन स्क्रोटम की हेल्प कौन सी मसल्स करती हैं टेम्परेचर मेंटेन करने में, डार्टस मसल्स एंड क्रिमेस्टर मसल्स। तो ये इन मसल्स का काम क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग ड्यूरिंग टाइम में क्या होता है, जो हमारा स्क्रोटम है, ह्यूमन का स्क्रोटम, वो ड्यूरिंग विंटर टाइम में क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के जो डॉटर्स मसल क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। और ये मसल्स क्या करती है, ये टेस्टिस को डॉटर्स मसल स्क्वीज कर देती है, सिकुड़ा देती है। एंड क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती है, ये पुल आउट करती है किधर, मतलब जब ड्यूरिंग विंटर टाइम में, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करने का काम, ताकि जो जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो जाए, तो उसको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अंदर खींचने का काम, उससे अटैच करने का, हमारे बॉडी से अटैच करने का काम कौन सी मसल करती, क्रीमेस्टर मसल्स। एंड डार्टस मसल क्या करती, स्क्रोटम को स्क्वीज करने का काम, ताकि टेम्परेचर बाहर ना निकले, किससे, टेस्टिस से। और ये क्रीमेस्टर मसल्स एब्डोमिनल जो हमारी कैविटी होती है, जो हमारी एब्डोमिनल मतलब पेट वाला एरिया होता है, उसकी तरफ पुल आउट करती, ताकि बॉडी की गर्मी से इसका टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहे। तो ये हमारा स्क्रोटम का काम होता है, हेल्प द टेम्परेचर मेंटेनिंग, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में दो मसल्स हेल्प करती है, डॉर्टस मसल्स एंड क्रेमेस्टर मसल्स। ठीक है, अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, जो टेस्टिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो हमारा टेस्टिस जो ह्यूमन का टेस्टिस, उसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्म रिलीज ऑफ द सेक्स हॉर्मोन। ठीक है, सेक्स हॉर्मोन में टेस्टोस्टेरॉन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये काम कौन सी मसल्स करती है, कौन सा ऑर्गन करता है, तो ह्यूमन का टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब टेस्टोस्टेरॉन का भी रिलीज करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, सेक्स हार्मोन होता है, ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम रिलीज होता है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरॉन का रोल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में बात करें तो स्पेशली मेल में। ठीक है, मेल में क्या करता है, जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है प्यूबर्टी में, तो क्या क्या होता है, जो वॉइस होती है कैसी हो जाती है, चाइल्ड की हैवी हो जाती है। एंड मसल्स वेट क्या होता हैवी हो जाता है, मसल्स कैसे होते हैं, हैवी हो जाते हैं। इंक्रीज हाइट, उनकी हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, किसकी, किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरॉन। स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम। ये सारे काम कौन से काम कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन कर रहा है। ठीक है, हैवी बॉयज मसल्स वेट्स,
हैवी एंड इंक्रीज हाइट, स्पर्म प्रोडक्शन, सारे काम किसके हैं? टेस्टोस्टेरॉन के। वही हम लोग बात करें किसकी? टेस्टिज की, जिसकी हम लोग लंबाई, चौड़ाई, कलर, पिंक कलर एंड शेप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करें कि इसमें हमारे टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन तो हो रहा है किसका? स्पर्म का। एंड कौन कौन सी स्पर्म के फॉर्मेशन में ग्लैंड यूज़ हो रही हैं, कौन कौन से ग्लैंड पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन से डक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये है ह्यूमन का टेस्टिस। और हाँ, ह्यूमन के टेस्टिस में अगर हम लोग बात करें तो एक टेस्टिस में बहुत सारे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक एक ह्यूमन के टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? 250, यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ऐसे 1 2 3 4, मतलब मैंने 4 5 बनाया, मतलब एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं। इनसाइड द लोब्यूल फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो लोब्यूल के अंदर ही फॉर्मेशन किसका होता है? स्पर्म। अब देखिए, लोब्यूल के अंदर मैं बात की हूँ, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन लोब्यूल के अंदर क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं मेन। तो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ये है ब्लू कलर का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर के लोब्यूल्स इनसाइड 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, मतलब एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के इनसाइड ही फॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्म का। पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि टेस्टिस फॉर्मेशन करता है स्पर्म का, उसके बाद पढ़े लोब्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, उसके बाद हम लोग पढ़े सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। मतलब ये तीनों चीज़ें मिलाकर किसके अंदर स्थित है? टेस्टिस के अंदर। इसलिए हम लोग बोल देते हैं टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है किसका? स्पर्म का। लेकिन मेन तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर इनसाइड फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। अब ये है हमारे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो एक लोब्यूल्स में एक से तीन क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच लोब्यूल्स, एक लोब्यूल्स में, ठीक है? अब वो हम लोग बात करें लोब्यूल्स के अंदर क्या हुआ फॉर्मेशन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म का। अब ये जो सारे स्पर्म है एक डक्ट के द्वारा कहाँ पे मिलेंगे? ये जो डक्ट है रेटी टेस्टिस, जो सारे ये डक्ट हैं फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का सारे स्पर्म निकले कहाँ पे? निकले यहाँ पे रेटी टेस्टिस में। कहाँ पे निकले? रेटी टेस्टिस, ठीक है? रेटी टेस्टिस से होते हुए यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, जिसको हम लोग बोले बासा इफ्रेंशिया। बासा इफ्रेंशिया क्या करेगी? कैरी करेगी स्पर्म को, ले जाएगी कहाँ पे? इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका? स्पर्म का। लेकिन मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है? इपिडिडाइमिस में। एंड डेट ऑफ द स्पर्म, मतलब जो एजुकुलेशन के द्वारा स्पर्म रिलीज नहीं होते हैं उनकी डेथ एंड मैच्यूरेशन किस पार्ट में होती है? इपिडिडाइमिस में होती है। एंड वहीं पे इपिडिडाइमिस के बाद क्या कौन सी आती है? हमारी बासा डिफरेंशिया आती है, जो कैरी करती है स्पर्म को कहाँ से? इपिडिडाइमिस से, बहुत सारे ग्लैंड से मिलाते हुए बाहर निकाल देती है यूरिथ्रा के थ्रू। तो अगर उसके हम सीक्वेंस की बात करें तो कैसे सीक्वेंस होता है फॉर्मेशन का स्पर्म का, किस ग्लैंड के द्वारा? तो देखते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन हुआ किसका? स्पर्म का। किसका हुआ? स्पर्म का। उसके बाद स्पर्म कहाँ पे होते होते जाएंगे? रेटी टेस्टिस में। कहाँ पे जाएंगे? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस होते हुए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, बहुत सारी हाईली क्वालिटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं बासा इफ्रेंसिया। बासा इफ्रेंसिया से होते हुए बासा इफ्रेंसिया बहुत ही हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर बना लेगी, बहुत ही क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। मतलब 16, जो ये इपिडिडेमिस होता है 16 मीटर तक लंबा होता है, इतनी मतलब इतना क्वाइल्ड हो जाता है, ठीक है? तो बासा इफ्रेंसिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म एंड डेथ ऑफ द स्पर्म कहाँ पे होते हैं? इपिडिडाइमिस में। फिर इपिडिडाइमिस में होते हुए कहाँ पे जाएगी? वासा डिफरेंसिया, और वासा डिफरेंसिया से बहुत सारी ग्लैंड मिलेंगी, बल्बोइथरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करेंगी और
जो सीमेन बन रहा है उसका रिलीज कहाँ से होगा, हमारे यूरिथ्रा, जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, यूरिथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाएगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। तो ये हमारा टेस्टिस। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं पहले टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और इसी लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस्टिबुल्स उसके बारे में, एंड टेस्टिस के अंदर कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कौन सी सेल हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आइए एक बार देख लेते हैं टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर, एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सी सेल होती है जो हेल्प करती है स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो आइए देखते हैं। तो ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, हम लोग टेस्टिस के बारे में डीपली पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो इस वीडियो में बस थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे कि कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स, तो ये है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर मैं बताई हूँ, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स एंड टीएस, टीएस लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे और उसमें के अंदर देखेंगे कि कौन सी सेल्स हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म में। तो जो एक ह्यूमन का टेस्टिस होता है तो उसके अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250, 250 इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म का, ठीक है। और कौन सी ट्यूब्स होती है, कौन सी डक्ट होती है जो हेल्प करती है फॉर्मेशन करने में स्पर्म का? तो इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3, 1 टू 3 क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो सकते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का फंक्शन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही ऐसी 2 सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं फॉर्मेशन में किसके? स्पर्म के। तो हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस में कौन सी सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं किसमें? स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या होती हैं? तो एक जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म। और ये है लेटिस टेस्टिस, जिसमें सारी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अटैच होती हैं जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, लेटिस टेस्टिस। उसके बाद डक्ट आती है जिसको बोलते हैं बासाई फ्लुएंसिया, जो टेकआउट करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस से, मतलब टेस्टिस से बाहर निकालने का काम किस डक्ट का होता है? वासाई फ्लुएंसिया। फिर वासाई फ्लुएंसिया मर्ज हो जाती है एक हाईली क्वालिफाइड स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस, ठीक है। अब ऐसे करके इपिडिडाइमिस ज्वाइन होती है वासाई फ्लुएंसिया डिफरेंसिया से, और वासाई डिफरेंसिया क्या करती है? स्पर्म को यूरिथ्रा द्वारा बाहर निकाल देती है। तो हमको क्या आज देखना है, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है कितने कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में? तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, ठीक है। और एक लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अब वही हम लोग उठाएंगे किसका? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उठाएंगे, 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे ये है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, अब इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? यही है सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसका हम लोग क्या करें? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर किसका? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, जिसके अंदर 1, 2, 3 मैंने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बनाए। कितने? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस होते हैं? 1 या 3 हो सकते हैं। तो मैंने ये टीएस है किसका? लोब्यूल्स का, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, जिसके अंदर 1, 2, 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर कौन सी ऐसी सेल होती है जो हेल्प करती है इस पंप के फॉर्मेशन में। तो देखते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, तो मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में डिटेल बताया, मतलब एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर कौन कौन सेल होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या कौन सेल होती है? स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। अब स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स क्या होती है? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया एक ऐसी सेल होती है जो म्यूसिस डिवीजन करके क्या बनाएगी? फॉर्मेशन करेगी स्पर्म का, यानी स्पर्मेटोगोनिया ही ऐसी सेल है जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? स्पर्म के फॉर्मेशन में।
अब स्पर्मेटोगोनिया एंड मेल जर्म सेल्स की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर ये कंपार्टमेंट बनाए सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल या नर्व सेल। अब सर्टोली सेल एंड नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, सर्टोली सेल एंड नर्व सेल क्या करती है, सर्टोली सेल या नर्व सेल क्या करती है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्म का फॉर्मेशन जो न्यूट्रिशन चाहिए स्पर्म को, तो उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सर्टोली सेल का। एंड क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जब स्पर्म हमारे बन जाएगा, स्पर्मेटिक्स बन जाएंगे, तो जो स्पर्म का हेड है, जो हेड है जब तक जरूरत नहीं होता है, तो सारा जो स्पर्म होते हैं इसके सर्टोली सेल के अंदर इम्बेडेड होते हैं, इनका जो हेड होता है इसके अंदर इम्बेडेड होता है और न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लिए स्पर्मेटोगोनिया क्या है या मेल जर्म्स क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म्स क्या करती है, हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्स के बगल बगल में स्पेस होता है, ठीक है, पूरा स्पेस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स उसके बीच में जो स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस। इनसाइड द इंटरस्टेशियल स्पेस सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरस्टेशियल स्पेस के बीच में पाई जाती हैं लीडिंग सेल्स, जिसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल। एंड इसके अंदर पाई जाती है हमारी नर्व सेल एंड सम इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल सम इम्यूनोलॉजिकल सेल, ठीक है, क्या पाई जाएंगी, हमारी नर्व सेल पाई जाएंगी, सम इम्यूनोलॉजिकल सेल पाई जाएंगी, बिटवीन द या इनसाइड द जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बगल वाला स्पेस है उसके अंदर पाई जाएगी लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल का क्या काम, हम लोग पढ़े स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन हो गया, सेमिनिफेरस सर्टोली सेल का फंक्शन हो गया। अब लीडिंग सेल क्या करती है, सॉरी लीडिंग सेल क्या करती है, लीडिंग सेल हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब मेल हार्मोन का सिक्रेशन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मेल में सिक्रीट होता है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना या एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने का किस सेल का फंक्शन होता है, लीडिंग सेल्स का। तो ये हमारा रहा सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स, ये बस लोब्यूल्स के बारे में आपको याद ही रखना है, क्या एक टेस्ट मतलब एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कितने सेल्स होते हैं, तो 2 सेल्स होते हैं, इसमें माइटोगोनिया मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल या नर्व सेल। सर्टोली सेल क्या करती है, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू द स्पर्म, किस डिवीजन द्वारा, मेल से डिवीजन के द्वारा। ये हमारा रहा सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स। अब इस पे हार्मोन कैसे वर्क करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो या हेल्प करे स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे ह्यूमन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इस पे हार्मोन कैसे करेगा, कैसे टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा, कैसे इस पे वर्क करेंगे, कैसे फॉर्मेशन वो हम लोग देख रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, किस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको एक्ट करें, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगी ताकि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प हो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करेगी, FSH एंड LH। LH क्या करेगा, LH जो है लीडिंग सेल्स जो हमारी यहाँ पे लीडिंग सेल पे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब लीडिंग सेल पे जब LH स्टिमुलेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, तो लीडिंग सेल सिक्रीट करेगी टेस्टोस्टेरोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको बोलते हैं मेल हार्मोन। अब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का वर्क क्या होता है, जो ह्यूमन में प्यूबर्टी के टाइम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं, वो किस हार्मोन के द्वारा अपीयर होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के अंदर
हैवी बॉयज़ मतलब प्यूबर्टी के टाइम क्या करता हैवी बॉयज़ का आना, मसल्स स्ट्रांग होना एंड प्यूबिक एरिया पर हेयर का अपीयर होना, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करना किस हार्मोन के द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम लोग बात करें यफेस क्या करता है। यफेस की जो सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर उसको एक्टिवेट करता है, उस पर एक्ट करता है कौन सा हार्मोन, यफेसएच। अब जब सर्टोली सेल पे एक्ट करता है यफेसएच, तो सर्टोली सेल किस पे एक्ट करती है, एंड्रोजन हार्मोन निकाल एंड्रोजन हार्मोन पे एक्टिवेट करेगी। सर्टोली सेल किस पे करेगी, जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन उसको एक्टिवेट करेगी और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी सर्टोली सेल, और क्या करेगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करेगी। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन है इसके अंदर एक खासियत होती है कि एक जगह टिक के नहीं रहता है, तो ये जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने, तो इस ये रुकेगा नहीं, मतलब रुकता नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन को बाइंडिंग करने का, उसको रोकने का काम, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सके तो उसको रोकने का काम कौन सी प्रोटीन करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल करके बनाती है। तो ये हमारा रहा कैसे हार्मोन काम करता है दोनों सेल्स पे एंड टेस्टिकुलर लोब्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो लोग क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्मेटोजिनेसिस प्रोसेस क्या होता है और मेल एसेसरी डक्ट क्या होते हैं, मेल एसेसरी डक्ट किस में पाए जाते हैं, तो मेल एसेसरी डक्ट क्या होते हैं, मेल एसेसरी डक्ट जो पाए जाते हैं इनसाइड द ह्यूमन टेस्टिस, मतलब ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, और मेल एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है, जैसा कि स्पर्म के फॉर्मेशन में एसेसरी डक्ट भी हेल्प करती है, एसेसरी ग्लैंड भी हेल्प करती है। एसेसरी ग्लैंड क्या करती है, सीमन का पार्ट बनाती है स्पर्म के साथ सीमन, ठीक है, एंड एसेसरी डक्ट क्या करती है, सीमन भी बनाती है एंड सीमन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प भी करती है, मतलब सीमेन को यूरेथ्रा के पास लाना, पेनिस के अंदर लाना, उस किसका काम होता है, मेल एसेसरी डक्ट का। तो मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है ह्यूमन के अंदर एंड इनसाइड द टेस्टिस के अंदर, उसके बारे में बात करें तो आइए देखते हैं कौन कौन सी डक्ट होती है। तो हमारा ये है ह्यूमन का टेस्टिस जिसके अंदर होते हैं ये स्क्रोटम है, इसको हम बोलेंगे स्क्रोटम, इनसाइड द स्क्रोटम पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, मतलब एक पेयर टेस्टिस होती है, एक है टेस्टिस, ये स्ट्रक्चर किसका, टेस्टिस का। टेस्टिस के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, कौन सी किससे क्या होता है, इसका मेजरमेंट कितना होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इनसाइड टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं, अब लोब्यूल्स क्या होते हैं, इनसाइड द लोब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का, ठीक है। तो जो हमारे ह्यूमन का क्या होता है, टेस्टिस होता है, उसके अंदर टेस्टिकल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कितने होते हैं, नंबर में 250 होते हैं, ठीक है। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और देखिए ये है लोब्यूल्स, वन में थ्री बनाया, मतलब ऐसे 250 लोब्यूल्स होते हैं, कितने लोब्यूल्स, 250 लोब्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या लोब्यूल्स, ठीक है। तो एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुए, 250 लोब्यूल्स होते हैं, और एक लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मैंने यहाँ बनाया है, मतलब कितने ट्यूबुल्स होते हैं, एक से तीन, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया, कुछ भी आप बोल सकते, स्पर्मेटोगोनिया। जैसे ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, कितनी टाइप की, दो टाइप की सेल्स होती हैं। ये है स्पर्मेटोगोनिया, जो डॉट डॉट मैंने बनाया है स्पर्मेटोगोनिया, ये है स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म से, और ये जो आप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोल सर्टोली से, जो हेल्प करती हैं किसमें, स्पर्म के फॉर्मेशन, सर्टोली सेल। तो हमको ये सब नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग आगे इस पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में स्पर्म के। तो हमको ये नहीं देखना, बस हमको याद क्या रखना है, इनसाइड द टेस्टिकल लोब्यूल्स
एक से तीन सेमी फेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। ठीक, सेमी फेरस ट्यूबल्स में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, मेरे जम सेल, सर्टोली सेल। अब क्या हुआ, जो हमारा सेमी फेरस ट्यूबल्स के अंदर फॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्म का। अब जब स्पर्म का अंदर इसके अंदर फॉर्मेशन होगा, स्पर्म बनेंगे, ठीक है। अब सारे स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे वासा डिफरेंसिया के थ्रू यूरेथ्रा में, उसको हमको देखना है। तो देखिए, सेमी फेरस ट्यूबुल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म का। जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया, ये क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब उस स्पर्म को कैरी करने के लिए कौन सा फर्स्ट आपको डक्ट होगी, तो उस डक्ट को हम लोग बोलेंगे ट्यूबली रेक्टाई। क्या बोलेंगे, ट्यूबली रेक्टाई। जैसे सेमी फेरस ट्यूबुल से जो बाहर ही निकला है, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबली रेक्टाई। ट्यूबली जो रेक्टाई है, बहुत सारे ट्यूबली रेक्टाई ज्वाइन होंगी, कहाँ पे सारे ज्वाइन हो जाएंगे एक जगह पे, क्या होंगी, ज्वाइन होंगी एंड एक स्पेस बनाएंगी। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस। मतलब ये स्पेस क्या है, पूरा ये जो खाली स्थान है, रेटी टेस्टिस। कैसे बनता है, बहुत सारी ट्यूबली रेक्टाई ज्वाइन होके बनाती है रेटी टेस्टिस। अब इसके बाद यहाँ पे स्पम्प आए, ठीक है। अब इस स्पम्प को टेक आउट करने का काम, ठीक है, बाहर निकालने का काम कौन सी डक्ट करेगी, वासा इफ्रेंसिया। कौन सी डक्ट करेगी, इस स्पर्म को बाहर निकालने का काम किसमें, इपिडिडाइमिस में निकालने का काम कौन करती, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया कहाँ से राइज होती है, राइज फ्रॉम द टेस्टिस। मतलब कहाँ से राइज हो रही है, टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है ह्यूमन का, इसके बाहर मतलब यहाँ से राइज हो रही है, ठीक है। और ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंसिया, राइज फ्रॉम द टेस्टिस। अब जो वासा एफ्रेंसिया है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है विच डक्ट टेक आउट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस ना, तो कौन सी ऐसी डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालती है, तो वासा एफ्रेंसिया। अब देखो, वासा एफ्रेंसिया क्या करती है, वासा एफ्रेंसिया ज्वाइंट एंड फॉर्म, जो बहुत सारे क्वाइल, ये इस तरह से आप देख रहे हैं लाइनिंग लाइनिंग, तो बहुत सारे वासा एफ्रेंसिया क्या करती है, ज्वाइंट हो जाती है, हाईली क्वाइल्ड एंड ज्वाइंट एंड एक डक्ट का फॉर्मेशन बोलेंगे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इपिडिडाइमिस। मतलब वासा इफ्रेंसिया क्या करेंगे, हाईली क्वाइल हो जाएगी और एक डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या करता है, इपिडिडाइमिस का क्या काम होता है, तो इपिडिडाइमिस क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। फॉर्मेशन तो यहाँ पे हुआ सेमी फेरस ट्यूबुल्स के अंदर, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड द इपिडिडाइमिस। एंड डेथ स्पर्म कहाँ पे होता है, मतलब जब एजुकेशन नहीं होगा, स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका डेथ किस सेल से होता है, इपिडिडाइमिस में। अब इपिडिडाइमिस जो होती है हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर होती है। इपिडिडाइमिस क्या है, हाईली हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। क्या है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अगर ये क्वाइल फॉर्म में है तो सेंटीमीटर में कितनी होगी, 6 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर क्वाइल फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका मेजरमेंट कितना होता है, 6 to 7 सेंटीमीटर। अगर हम इस इपिडिडाइमिस को अनक्वाइल कर दें, क्या कर दें, अनक्वाइल कर दें, तो अनक्वाइल करने पर ये हो जाती है 7 मीटर। 7 मीटर उससे ऊपर भी हो सकती है, 7 मीटर मतलब 7 मीटर तक हो जाती है अनक्वाइल करने पर। क्वाइल करने पर 6 to 7 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये हमारा मेन एसेसरी डक्ट। तो अगर हम बात करें कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, तो सेमी फेरस ट्यूबुल्स क्या होगा, सेमी फेरस ट्यूबुल्स, ठीक है, सेमी फेरस ट्यूबुल्स। उसके बाद सेमी फेरस ट्यूबुल्स से कहा गया, ट्यूबली रेक्टाइल, यहाँ पर गया ट्यूबली, ट्यूबली रेक्टाइल। ट्यूबली रेक्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, ट्यूबली रेक्टाइल से होते हुए कहाँ पे जाएगा, साहब बहुत सारे ट्यूबली रेक्टाइल कहाँ पे ज्वाइन होगी, रेटी टेस्टिस में। कहाँ पे, रेटी टेस्टिस, ठीक। अब रेटी टेस्टिस, जो रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस से कौन सी डक निकलेगी, राइज होगी, तो वासा इफ्रेंसिया, राइज फ्रॉम द टेस्टिस। तो क्या, कौन सी डक है, वासा इफ्रेंसिया।
वासा इन्फ्लुएंसिया क्या बनना है, ये हाईली कॉइल हो जाएगी, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर बनाएगी, और उस वासा इन्फ्लुएंसिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है, जहाँ पे सेल का स्पर्म का मैच्योरेशन एंड डेथ होती है, एपिडिडाइमिस। ठीक, एपिडिडाइमिस से एक और डक्टिलाइज होगी जो स्पर्म को कैरी करेगी कहाँ तक ले जाने के लिए, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिन का मार्ग होता है। तो इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से कहाँ, वासा, वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया। तो ये रहा मेल एसेसरी डक्ट से फेलस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का। स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूबुल रेक्टाइल द्वारा कहाँ पे जाएगा, रेटी टेस्टिस में एकुमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, स्टोर होगा। उसके बाद रेटी टेस्टिस से बहुत सारी डक्टराइज होंगी, जिसको हम लोग बोलेंगे वासा इन्फ्लुएंसिया। देखिए ये सारे वासा इन्फ्लुएंसिया, वासा इन्फ्लुएंसिया मतलब बहुत सारी वासा इन्फ्लुएंसिया क्वाइल होके ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होती है, जिसमें जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन मैचुरेशन होता है एंड डेथ ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये होता है। एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर अनक्वाइल्ड है तो 7 मीटर होती है, अगर क्वाइल्ड फॉर्म है तो 6 to 7 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद एपिडिडाइमिस एक इससे अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, जो कहाँ पे मिल जाएगी, यूरेथ्रा के पास आकर मिल जाएगी। तो ये हमारा रहा मेल का, मेल एसेसरी डक्ट। अगर हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मेल एसेसरी ग्लैंड, जो ग्लैंड क्या करती है, हेल्प करती है स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है मेल एसेसरी ग्लैंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।